हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहां पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाएं, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हम मिलके कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं, ताकि आपकी मदद हम कर सकें UPSC को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर टुडे, और चलिए आगे बढ़ते हैं और मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। और एज़ यूजुअल आपको तो पता ही है कि इसकी PDF कहाँ मिलेगी, हमारी वेबसाइट पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी कोर्सेज हैं उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं और मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये? क्योंकि आपने देखा ही होगा कितनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है मेडिकल ऑक्सीजन की कोविड के टाइम में, है ना। सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, सरकार ने रैंप अप कर दिया है अपना काम, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स को सेटअप करने का, राइट। तो मेडिकल ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब क्या होती है मेडिकल ऑक्सीजन? क्या ये नॉर्मल ऑक्सीजन होती है जो हम ब्रीथ करते हैं? नहीं, ये बहुत ही हाई प्योरिटी ऑक्सीजन होती है, जिसमें मिनिमम 90% प्योर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। 90% प्योर ऑक्सीजन होती है, 5% नाइट्रोजन होती है और 5% आर्गन होती है, ठीक है। तो ये होती है अपनी मेडिकल ऑक्सीजन। अब हम इसको बनाते कैसे हैं, हाउ डू वी एक्चुअली मेक दिस प्रोसेस? तो जो हम एयर एक्चुअली ब्रीथ करते हैं ना, उसमें ये कंपोजिशन नहीं होता है, उसमें 90% ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें मोस्टली क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। 70-80% उसमें नाइट्रोजन होती है ना, 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है, एंड रेस्ट आर द गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह वाला, है ना। तो ये सब होता है। बट जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है, जो प्योर ऑक्सीजन होती है, उसमें ये पूरा प्रोसीजर रहता है, 90% ऑक्सीजन होती है। तो हहमको जो ये एक्सट्रैक्ट करना है, हमको जो ये 21% से इसको 90% ले जाना है, वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए हम एक प्लांट इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब उस प्लांट में क्या होता है, उस प्लांट में हम एयर को सक करते हैं, ठीक है। तो एक बेसिकली सकर होता है जो एयर को सक करता है, कंप्रेसर होता है बेसिकली, है ना, कंप्रेसर चलता है, एयर को सक करता है। फिर जो ये एयर आती है, अब ये एयर में तो कितना सारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, स्मोक वगैरह स्मोक के पार्टिकल्स होंगे, है ना, तो ये सब होगा। तो इसको हमको एक राउंड में फिल्टर करना पड़ेगा। फिर हम इसको फिल्टर करते हैं, यहाँ से फिल्टर करने के बाद थोड़ी सी ये प्योर हो जाती है ना, थोड़ी सी प्योर हो जाती है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, फिर इसको हम कूल करते हैं, ठीक है। इस प्योरीफाइड एयर को हम कूल करते हैं। कूल कितने टेम्परेचर तक करते हैं, मतलब -10 to -15 degrees Celsius तक हम इसको कूल करते हैं, ठीक है। इसको जैसे ही हमने कूल किया यहाँ पे -15 degrees Celsius तक, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है। इतने कम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इसको फर्दर कूल डाउन करते हैं, और कूल डाउन करते हैं कितने डिग्री सेल्सियस तक, 165 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस पे क्या होता है, -165 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन होता है इसमें, है ना, जो O2 होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका और नीचे तक जाता है पॉइंट, है ना, वो उसके और नीचे तक लिक्विफाई होता है। तो नाइट्रोजन का -165 नहीं होता, ऑक्सीजन का क्या होता है, -165 पे वो लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर यहाँ से हम ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, ठीक है, और बाकी बचा हुआ तो हमारा नाइट्रोजन आ ही जाता है ना। तो यहाँ से हमको दो गैसेस मिल जाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस टाइप से इसका पूरा प्रोसेस रहता है ना। ये बेसिक याद रहना चाहिए, मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है ना, बस यही इसमें याद रखने वाली बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030, ठीक है। तो द इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 ग्लोबल विजन और स्ट्रैटेजी सेट करता है वैक्सीनेशन के लिए और इम्यूनाइजेशन के लिए फॉर द डिकेड 2021-2030, ठीक है। टारगेट्स हमको क्या करने हैं, टारगेट्स देख लो आप, क्या क्या करने हैं। 50 मिलियन वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन करने हैं, मतलब वैक्सीन ये इन्फेक्शन को हटाना है 50 मिलियन वैक्सीन को देके, है ना। उसके बाद 90% कवरेज होना चाहिए, ठीक है। ये तो IMI जो है हमारा इंद्रधनुष मिशन, उसमें 90% कवरेज की बात की गई थी, अभी हम पढ़ेंगे आगे, है ना। उसके बाद रिड्यूस द नंबर ऑफ डोजेस ऑफ चिल्ड्रन टू 50%, है ना, 50% डोजेस कम करने हैं, है ना। जीरो डोज चिल्ड्रन आर दोज हु हैव रिसीव्ड नो वैक्सीन थ्रू इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, है ना। तो 50% कम से कम डोज देना है उनको, है ना। फिर 500 नेशनल और सब नेशनल ये डिस्ट्रिक्ट में इसका वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करना है ना।
ये पढ़ लेना एक बार, अच्छे से पढ़ लेना इसको एक बार, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, टारगेट्स हैं। उसके बाद वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन लॉजिस्टिक्स समिट के बारे में बात करते हैं, किसने ऑर्गेनाइज करी है, ये होप कंसोर्टियम जो है यूएई का, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। होप कंसोर्टियम क्या है, ये यूएई का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, है ना। क्या करता है ये बेसिकली, क्या करता है, इसका काम क्या है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब कि जैसे कि यू नो वैक्सीन, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट से लेकर, वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट से लेकर उसके डिस्पैच तक, उसका लॉजिस्टिक्स, है ना, फिर आपके पास पहुंच रही है, ये पूरा जो चेन होता है ना, प्रोक्योरमेंट से लेकर एंड कस्टमर तक भेजना, उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन, ठीक है। तो उसको ये पूरा हैंडल करता है कौन, ये आपका होप कंसोर्टियम, ठीक है। तो जितनी भी इसमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना, कंसोर्टियम, सॉरी डिजिटल टेक्नोलॉजी, है ना, या जो भी एक्स वाई जेड ट्रेनिंग व्रेनिंग देनी पड़े लोगों को, वो सब इसमें होता है, ठीक है, समझ में आ गया, वो सब इसमें होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की बात करते हैं, है ना। इंटेंसिफाइड IMI जिसकी हमने पिछली बार बात करी, IMI उसके बारे में बात करते हैं। इंद्रधनुष मिशन का नया वर्जन है इंटेंसिफाइड मिशन ऑफ इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष मिशन जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद ये था कि भाई हम जो चिल्ड्रंस हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनका हम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन करेंगे, वही फुल इम्यूनाइजेशन अचीव करेंगे, उनको वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। अब जो इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन आया, IMI आया, उसमें ये बोला गया कि 90% एटलीस्ट कवरेज होना चाहिए, है ना। तो 90% हमको कवरेज करना था बाय 2018, ठीक है, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज़ में जहाँ पे बहुत ही बेकार हालत थी, है ना। फिर सर फिर इसके बाद क्या हुआ, 90% करने के बाद फिर क्या हुआ, इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ, उसमें बोला कि हम फुल करेंगे, 100% करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो आया था, बस यही सब हो रहा है, इसमें और कुछ है नहीं, मतलब एडिशनल कुछ चेंज आया नहीं है। IMI जो 2019 में लॉन्च हुआ 2.0, उसमें बोला गया कि हम फुल इम्यूनाइजेशन करेंगे 272 डिस्ट्रिक्ट्स इन 27 स्टेट्स में, है ना, ब्लॉक लेवल पे। फिर IMI 3.0 आया, उन्होंने बोला हम सबको करेंगे, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वूमेन, जिन्होंने वैक्सीन्स मिस कर दी हैं कोविड के टाइम, उनको भी हम पूरा फोकस करेंगे और उनको हम इम्यूनाइजेशन कराएंगे, समझ में आ गया। अंडर UIP जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, इम्यूनाइजेशन, ये जो वैक्सीन है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा 12 डिसीजेज के लिए। अब ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज कौन सी हैं, विच आर दीज 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज, कौन कौन सी हैं, डिथेरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, है ना, पोलियो, मिजल्स, रूबेला, है ना, चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, है ना, मेनिंगटिसिस, न्यूमोनिया, है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सब इसमें है, है ना। इसके अलावा 3 डिसीजेज को और कवर किया गया है कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जो है डायरिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो ये आपको डिसीजन याद रहनी चाहिए, एक बार और पढ़ लो कौन कौन सी हैं, डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगटिसिस, न्यूमोनिया, है ना, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटा वायरस, डायरिया, है ना, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो ये सारी इसमें डिसीजेज कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ट्रैकोमा की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रैकोमा, ट्रैकोमा इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। अगेन आपको याद रखना है, व्हाट इज ट्रैकोमा, इट इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। तो क्या होता है ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, तो नाम से पता चला है, नेग्लेक्टेड है मतलब कोई ध्यान नहीं देता इसके ऊपर, है ना, जो वैक्सीन, इसके लिए आपको दवाई ववाई नहीं मिलेगी क्योंकि ध्यान में नहीं है, लोगों की प्रायोरिटी में नहीं है, बहुत ही यू नो पुअर लोगों को होती है, ये गरीब लोगों को होती है, तो वो यू नो दवाइयों के लिए पैसा दे नहीं सकते, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव दवाइयाँ अफोर्ड कर नहीं सकते, तो मैन्युफैक्चरर्स इसको बनाते भी नहीं है। ट्रॉपिकल डिसीज है मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज में मोस्टली होती है ना, ट्रॉपिकल कंट्रीज में मोस्टली होती है, इसलिए इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज बोला जाता है ना, पुअर पॉपुलेशन में बेसिकली होती है ये, है ना। और ट्रैकोमा से, अगर आपको ट्रैकोमा हुआ तो उससे बेसिकली ब्लाइंडनेस हो सकता है ना, तो ये इसका मतलब जो भी कॉज है वो यही है, इट लीड्स टू द इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड, है ना। और जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये बेसिकली एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ है। कैसे कॉज होती है भाई, इन्फेक्शन होता रहता है आई का, बार बार रिपीटेटिव इन्फेक्शन होगा आई का, तो उससे ये ट्रैकोमा हो जाता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होती है, ये सब याद रखने वाली बातें हैं, बैक्टीरिया से होती है। पूछेंगे वायरस से होती है, क्या बताओगे, नहीं पता, पढ़ा नहीं था, है ना, तो याद रखना बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम देखो, नाम ये जो है ना, ये जो नाम लिखा है इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके देखो, अगर मान लो आता है, अगर मान लो ऐसा आता है ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको नाम गेस करना है कि ट्रैकोमा का बैक्टीरिया कौन सा है, तो क्या होगा भाई, आप नाम देखोगे चिमेंडिया ये सब पता नहीं है क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, ट्रैकोमैटिस। अब नाम से आपको पता चलेगा भाई यहाँ पे भी ट्रैकोमा है, यहाँ पे भी ट्रैकोमा है, तो यही होगा, राइट। इस टाइप से थोड़ा यू नो इंटेलिजेंट स्टडीज किया करो, सब चीज़ याद करने की जरूरत थोड़ी रहती है, हाँ, जो चीज़ इजीली गेस हो सकती है उसको याद मत किया करो, ठीक है। उसके बाद क्या आया है, जो गाम्बिया है,
वो सेकंड अफ्रीकन स्टेट बन गया है टू एलिमिनेट ट्रैकोमा आफ्टर घना, है ना। तो ये आपको याद रखना है, गाम्बिया जो है वो सेकंड अफ्रीकन स्टेट बन गया आफ्टर घना टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। इंडिया ने कब एलिमिनेट किया था, इंडिया ने 2017 में एलिमिनेट कर दिया था इसको, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्प्रेड कैसे होता है, इसका स्प्रेड भाई कॉन्टैक्ट से होता है, अगर आई का कॉन्टैक्ट हो रहा है, आईलेट्स का कॉन्टैक्ट हो रहा है, नोज थ्रोट सिक्रीशन से हो जाता है इन्फेक्टेड, जो भी इन्फेक्टेड है इससे उसके नोज थ्रोट, अगर वो थ्रोट सिक्रीशन कर रहा है, नोज सिक्रीशन कर रहा है, आईलेट से कॉन्टैक्ट हो गया, तो इन सबसे ये स्प्रेड होता है। WHO ने टारगेट सेट किया था कि भाई हम ट्रैकोमा को ग्लोबली एलिमिनेट कर देंगे बाय 2030, ये ध्यान रखना, 2030 तक एलिमिनेट करने का टारगेट है, इंडिया ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया 2017 में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अनीमिया मुक्त भारत की बात करते हैं। व्हाट इज अनीमिया मुक्त भारत, ये मुक्त है, ठीक है, मुक्त, हिंदी लिखने में अलग मजा आता है ना, मुक्त है ना, मुक्त, अनीमिया मुक्त भारत है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, अनीमिया मुक्त, मुक्त मतलब खत्म कर देंगे, है ना, खत्म कर देंगे अनीमिया को, खत्म कर देंगे इंडिया से। तो यही है, अनीमिया को खत्म करने के लिए है कि भाई जो जितने भी केसेस हैं अनीमिया के, उसको हमको खत्म करना है, स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन एडोलेसेंस वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, है ना, इनमें तो करना ही करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अनीमिया को खत्म करना है तो आप क्या करोगे, उनको उनको बेसिकली जिससे ये होता है वो उनको सप्लीमेंट्स दोगे। तो बेसिकली अनीमिया होता कैसे, अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से होता है ना, अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से होता है, इससे क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी से RBCs का काउंट कम हो जाता है, तो उससे होता है। अब आयरन की डेफिशिएंसी तो उससे होता है, तो हमको बॉडी में आयरन का कंटेंट बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, हम उनको आयरन की टैबलेट्स देंगे। तो बेसिकली इनमें आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, फिर डीवॉर्मिंग किया जाता है, बिहेवियर चेंज किया जाता है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम की, भाई जो अनीमिया से जो सफ़र कर रहे हैं उनको आप हेल्प करो, है ना, उसको एलिमिनेट करने में, समझ में आ रहा है, गंदी नज़रों से मत देखो। अनीमिया इज अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ RBCs और देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इनसफिशिएंट टू मीट साइकोलॉजिकल नीड्स, है ना। तो RBCs और जो जो जब देखो जब RBCs कम हो जाएंगे, बॉडी में ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, RBCs करते हैं, जब RBCs कम हो जाएंगे तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी नहीं, जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी नहीं तो आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, हो सकता है आपको मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो जाए, है ना, क्योंकि दिमाग को भाई ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, है ना, सफोकेसी में आप कभी काम कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, राइट। तो आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया, समझ आ गया, आयरन डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम, तो ये बेसिकली एक फीवर होता है ना, फीवर होता है और इसमें बेसिकली क्या होता है, मेंटल कन्फ्यूजन होने लगता है, मेंटल डिसोरियंटेशन होने लगता है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है, है ना, डेलीरियम वही होता है, मेंटल डिसऑर्डर, है ना, तो वो सब इसमें हो जाता है, कोमा में आ जाता है आदमी, तो वो होता है एक्यूट एनसेफेलाइटिस सिंड्रोम। कौन कॉज करता है, AES, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कॉज करता है इसको, कौन कॉज करता है, बहुत न्यूज़ में रहता है यार ये, चमकी बुखार वगैरह के नाम से बिहार में फेमस है ये, है ना, चमकी बुखार के नाम से फेमस है। अभी आपने देखा होगा ये क्या बोलते हैं, ये बिहार में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आता है कि भाई इतने बच्चे मर गए, है ना, तो वो सब कहाँ से हुआ, वो सब इसी से होता है, चमकी बुखार से, है ना, आंसर आ गया, किसे किसे होता है ये, हाँ, तो ये बेसिकली वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, पैरासाइट से होता है, स्पायरोकीट से होता है, केमिकल्स टॉक्सिन से हो जाता है ना। तो न्यूज़ में ये रहता है लीची के खाने से, मतलब अगर आप अनराइप लीची खा के रात में सोते हो तो उससे केमिकल सिक्रीट होता है ना, जिससे ये हो जाता है, ठीक है। तो बिहार में इसीलिए बहुत लोग मर गए थे इसी से, तो ये बच्चे मर गए थे। तो इट बेसिकली अफेक्ट्स द पॉपुलेशन बिलो 15 ईयर्स, तो 15 साल से जो नीचे के यू नो बच्चे हैं उनको ये अफेक्ट करता है, ये आपको याद रखना है। लोकली कॉल्ड एज चमकी बुखार, AES यूजली सरफेसेस ड्यूरिंग समर इन द फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ बिहार, ठीक है, तो बिहार में बेसिकली ये पाया जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं गुइना एबोला आउटब्रेक के बारे में। तो गुइना में बेसिकली एबोला का आउटब्रेक हुआ है, एबोला वायरस डिसीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या है एबोला, एबोला एक रेयर डेडली डिसीज़ है, जैसे बहुत लोग मरते हैं, है ना, ह्यूमंस को डेडली डिसीज इन पीपल एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, है ना, तो उनमें होती है ये वायरस दैट कॉसेस EVD आर लोकली सब सहारन अफ्रीका में ऐसा वायरस मिलता है, आपने देखा होगा अफ्रीका में न्यूज़ आती है, वहीं से तो आउटब्रेक हुआ है कोंगो बोंगो में, है ना, वहाँ पे ये होता है। US जो FDA है, US का फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक वैक्सीन रिलीज़ करी थी इसके लिए, इसका नाम क्या है, RVS-ZIBO। अब देखो, अब इसको क्या याद रखने की ज़रूरत है, नहीं याद रखने की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि देखो एबोला के लिए वैक्सीन है, ठीक है, तो इस पर कंसंट्रेट करो, EBOV शुड बी अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एबोला वैक्सीन, है ना, एबोला वैक्सीन ये मतलब है इसका, ठीक है।
तो इस टाइप से आपको प्रीलिम्स में भी दिमाग लगाना है कि भाई ऐसा कुछ आ जाए जो आपने कभी सुना ना हो, तो ऐसे बिना देखे छोड़ के मत आना, है ना। कुछ कुछ थोड़ा बहुत यू नो अपना दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना कि भाई EBOV करके है एबोला की चाहिए, तो EBO वैक्सीन इस टाइप से हो सकता है एबोला वैक्सीन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब काम आता है ना, नॉलेज अभी काम आएगी बट नॉलेज ज़्यादा ये सब भी काम आता है ना। तो ये सब ऐसे करके आप जो नहीं क्वेश्चन कर पा रहे होगे ना वो भी कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको याद रखना, ZBOV करके कुछ है, EBOV एबोला वैक्सीन है ना, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ EBD, समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है, कॉन्जुगेट मतलब बहुत चीज़ों से मिलकर बना है ना, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट मतलब ये होता है एडिशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेट मतलब ये बेसिकली क्या है, ये इट इज़ अ वैक्सीन दैट इज कम्पोज ऑफ पॉलीसेकराइड्स एंटीजन फ्यूज टू अ कैरियर मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीसेकराइड्स जो होते हैं, पॉलीसेकराइड्स बेसिकली बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया के ऊपर जो शुगर्स होते हैं, जो शुगर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीसेकराइड्स। जो बैक्टीरिया है, मान लो ये अगर बैक्टीरिया है ना, तो इसके ऊपर जो शुगर्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीसेकराइड्स। अब क्या होता है, इसको पॉलीसेकराइड का एंटीजन जो बनता है ना, उसको हम फ्यूज कर देते हैं, एक मॉलिक्यूल रहता है। अब देखो पॉली एंटीजन जब बनेगा, एंटीजन जो बनेगा तो इस एंटीजन को कैरी करने के लिए भी हमको कुछ चाहिए, है ना, बैड खुद ही ट्रैवल नहीं करता। तो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें हम एंटीजन डाल देते हैं और फिर ये साइट पे जाके जहाँ पे भी यू नो ये बैक्टीरिया वगैरह होता है वहाँ पे जाके उसको टैकल करता है, ठीक है। दिस इनहेंसेज द स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन। तो कम वैक्सीन में ज़्यादा इफेक्ट होगा, समझ में आ रहा है। अगर आप कैरियर मॉलिक्यूल के साथ अपना जो एंटीजन है उसको कॉन्जुगेट कर देते हो, है ना, इसमें डाल देते हो, है ना, तो ये आराम से ट्रैवल करेगा, है ना, आराम से ट्रैवल करेगा और आपकी स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, है ना, कम एफर्ट में ज़्यादा काम हो जाएगा। जो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है ना, दे कैन पोटेंशियली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स, है ना, बाय नियरली 50%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। अब एक कीटोप्रोफिन, कीटोप्रोफिन न्यूज़ में था, बस इतना याद रखो कीटोप्रोफिन है क्या, ये एक पेन किलर है ना। कीटोप्रोफिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, NSAID बोलते हैं ये, है बस इतना ही याद रखो, इतना उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। कीटोप्रोफिन क्या है, एक पेन किलर है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और डिफेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डिफेंस के बारे में। अब डिफेंस के बारे में सबसे पहला आता है अर्जुन मेन बैटल टैंक MBT MK 1A, ठीक है। तो अर्जुन मेन बैटल टैंक जो है वो क्या है, ये एक बेसिकली ये है अर्जुन अपना, दिस इज अर्जुन मेन बैटल टैंक, ठीक है। तो इस टाइप से रहता है, ये परेड में दिखाया भी था इन्होंने, है ना। वेपन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा हाई मोबिलिटी है ना, एक्सीलेंट प्रोटेक्शन है, मतलब ऐसे बम बम मारोगे तो फटेगा नहीं, है ना, क्रू कंफर्ट है ना, कम सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें, ठीक है। किसने बनाया, DRDO ने, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या है, पाइथन फाइव क्या है, दिस इज पाइथन 5, बेसिकली मिसाइल है, पाइथन 5 इज अ मिसाइल, है ना। तो ये है पाइथन 5। तो बेसिकली इंडिया का इंडिजेनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस जो है उसने इसको डिप्लॉय किया है अभी रिसेंटली, इस मिसाइल को। पाइथन 5 बेसिकली मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है ना, बस ये याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी, एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसराइल का है, ठीक है। रेंज कितनी है, रेंज इसकी है 50 किलोमीटर तक जा सकता है ना। द फर्स्ट मिसाइल वॉज बियॉन्ड विजुअल रेंज डर्बी विच इज़ अ रेडार गाइडेड वेपन विद अ रेंज ऑफ ओवर 50 किलोमीटर। इट इज़ एन इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल विद अ रेंज ऑफ एटलीस्ट 20, मतलब वेरी करता है 20 to 50 किलोमीटर तक, ठीक है, एटलीस्ट 20 तो देगा ही देगा, है ना, कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद हेलेना एंड ध्रुवस्त्र की बात करते हैं, क्या है हेलेना एंड ध्रुवस्त्र, हेलेना एंड ध्रुवस्त्र आर थर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, है ना। तो ये बेसिकली ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है, इसमें कभी भी आप मारो, मतलब अगर मान लो रात में आपका दुश्मन छुप गया है ना, आपको दिख नहीं रहा है, तो भी ये फायर कर देगा टारगेट पर, ठीक है। दे हैव बिन डिजाइन एंड डेवलप इंडिजिनियसली बाय DRDO, ठीक है। नैनो स्निफर, मैंने भी देखो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, इसीलिए जो है वो वर्ड में गलती पढ़ने में हो गई, तो उसका गलत मतलब निकाल दिया। स्निफर क्या होता है, वॉट इज स्निफ, स्निफ आप कोई चीज़ करते हो, मतलब जैसे अगर आपने बाहर की यू नो वो देखी होंगी TV सीरीज़, तो उसमें ना वो लोग हीरोइन और ये सब ऐसे यू नो OCP में डाल के स्निफ करते हैं, मतलब नाक से अंदर लेते हैं ना, तो स्निफ मतलब सूंघना होता है बेसिकली, हिंदी में बताऊँ तो स्निफ मतलब सूंघना। नैनो मतलब कोई नैनो टेक्नोलॉजी होगी, है ना, तो स्निफर मतलब सूंघना या फिर डिटेक्ट करना, है ना। सूंघने से आप क्या करते हो, आप डिटेक्ट करते हो किसी स्मेल को, तो नैनो स्निफर बेसिकली ये क्या है, एक्सप्लोजिव ETD है, एक्सप्लोजिव ट्रेसेबल डिवाइस है, एक्सप्लोजिव को ट्रेस करने के लिए यूज़ होती है ना, और इसमें नैनो माइक्रो सेंसर बेसिकली लगा हुआ है, इसलिए इसको नैनो बोल दिया, ठीक है।
डेफिनेशन मैंने निकाली, अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मेरे को भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी नैनो स्निफर क्या होता है, मेरे को पता चल जाएगा गलत किया था। तो नैनो स्निफर मतलब स्निफर मतलब स्निफ, स्निफ मतलब सूंघना, सूंघना मतलब डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना मतलब ये बॉम्ब डिटेक्ट के लिए डिवाइस है, सिंस डिफेंस हम पढ़ रहे हैं तो बॉम्ब डिटेक्शन डिवाइस है, ठीक है। चलो बाकी अब क्या करते हैं, अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा, मेरा भी दिमाग कम चलने लगा अभी, है ना। तो मैं भी कुछ खा पी के आता हूँ, है ना, फिर अपन पढ़ाई करेंगे आगे, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय।